आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बाकानेर को नियमितीकरण वेतन और शासकीय दर्जा दिए जाने हेतु ज्ञापन दिया। ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाकानेर अंतर्गत 61 ग्राम पंचायतों में कार्यरत आशा कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र धौरे को सात सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा, नियमित वेतन, संविदा नियुक्ति, नियमितीकरण, आशा सहयोगिनी को 15,000 रूपए माह, आशा कार्यकर्ता को 10,000 रूपए माह वेतन दिए जाने की मांग का ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन आशा सहयोगिनी श्रीमती शर्मिष्ठा सोनी ने किया। सभी कार्यकर्ता 7 फरवरी से 15 फरवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। मनावर से लोकेंद्र जाधव की रिपोर्ट। आपका परिचय? शर्मिष्ठा सोनी, आशा सुपरवाइजर। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। क्या मांग बताएं मांगे? आशा पर्यवेक्षक को सरकारी कर्मचारी मान्य किया जाए। आशा कार्यकर्ता का प्रत्येक गांव में अलग से आरोग्य केंद्र पृथक होना चाहिए। फिर ग्रामीण आशा, शहरी आशा कार्यकर्ता को फिक्स मानदेय दिया जाए, जिसे अधिकारी के आगे बार बार जो टुकड़ों के रूप में दिया जाता है एक जय किया जाए, ताकि अधिकारी के सामने भटकना ना पड़े। आशा सहयोगी को 15,000 रुपये, आशा कार्यकर्ता को 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। आशा पर्यवेक्षक को पेट्रोल भत्ता 300 रुपये प्रतिदिन दिया जाए। आशा कार्यकर्ता शहरी ग्रामीण को रुपये इंसेंटिव 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। आशा पर्यवेक्षक को संविदा नियुक्ति प्रदान की जाए। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये 15 तारीख तक। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।